हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र के बेलदारीचक बाजार में। पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में यादव समुदाय का वोट सबसे ज़्यादा है और यहां दो यादव चुनाव मैदान में हैं, मीसा भारती और राम कृपाल यादव। अब देखना होगा कि पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र के यादव किस यादव को अपना सांसद के तौर पे देखना चाहते हैं। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से। ये बताइए कि आपका वोट कौन से मुद्दे से प्रभावित होगा और वो कौन सा उम्मीदवार है जो आपके उम्मीदों पे खरा उतरेगा? मीसा भारती के हम लोग देंगे। मीसा भारती को क्यों देना चाहते हैं आप वोट? हम लोग गरीब का उन्हीं के बाबूजी ताकते थे, आई तो कुछ नहीं। रामकृपाल यादव तो भी उन्हीं की पार्टी में कभी थे। वो भी नहीं, कोई ताक रहा है नहीं, कोई नहीं। मंत्री थे अभी रामकृपाल जी, तो मंत्री के तौर पे आपके इलाके के लिए उन्होंने कुछ काम किया? कौन काम किया, न दर्शन किया न कुछ किया। गरीब गोर से आता है, आँख मूंड ले जाता है, नीतीश सिंह आता है जाता है, यहाँ पटना से आ गया तक करके पुल से खड़ी कर देता है रोड पर कि जनता के मारो भागा रे सटे न गाड़ी में। ऐसे पे बरवा चोरवा इधर चल जाए, जनता ओकरा लग खड़ी। राधा के मतलब का है कि पर्दा खड़ी है तो उतर के हम थाके कुछ भाषण ले कहा तकलीफ का दू कुछ नहीं, वह पुलिस के मार के भगा देता है डर से जनता। ये बताइए कि पेपर से मुंह झांकने का क्या बता रहे हैं, क्या होता है पेपर, क्या क्यों मतलब मुंह ढक लेते हैं? वो लाज लगा है का हुआ है, लाज लगा है का हुआ है यहाँ चौराहे पर के पेपरवा ऐसे करते चल जाए। कौन, किसके बारे में आप बोल रहे हैं? नीतीश के बारे में मुंह ढक लेते हैं। लालू आ जाता तो बेचारा तर दू गो लड़कन खड़ी होगा तो रोक के गाड़ी पुलिस दौड़ेगा कहेगा अरे रोक हटाओ ना, रोक के बात करता था। और नीतीश जी बात नहीं करते? बात करते सर, जब मोहम्मद झाप ले जाया पटना से गया तक के पुलिस खड़ी कर ले रहा है, कोई पुल में पुलिस के गुद्दे ले रहा है कि कोई बम न फिट कर दे। मतलब इतना उनको खौफ है बिहार की जनता का? हाँ, डरते हैं वो, डरा है था ना पुलिसवा के पुलवा में रखा है कि बम उम न फिट करे। हम उसको वोट नहीं देंगे, हम नीचा भारती के। तो इतना आप गुस्सा मतलब क्यों है? सिर्फ वो गुस्सा है कि ओकरा लगी खड़ी रही रहो तो वो में तना दर्शन करे, यही गुस्सा है। आओ को जी लालू पुकार करके रोडवा पर न भेटा ले तो पुकारा ले कि आज बलरिया पर के कोई नहीं रे खड़ी करके, तो हम ओकरा ना गाम वो हमारा बेचारा भलाई कलक कोलनी तोलनी जितना गरीब के सबके दिलके। आप यादव हैं? नहीं, हम पासवान हैं। तो आप रामविलास पासवान की पार्टी को? रामविलास कौची करत कुछ हो ना, वो जात के कौन ची कर ले के गो लड़कन गरीब के पास है बी एम ए अथी में, तो के गो लड़कन के वो रामविलास नौकरी दिए ले होलो नौकरिया दे दे बड़कन के ओकरे नम्मा पर पैसवा लेके, आ गरीबा के पैसा कौची दूसरे कमा है बाप माए तो ओकरा पढ़ाबे कहाँ से रुपया लेते 5 लाख या 10 लाख? तो वो तो पासवान समुदाय के उत्थान के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए दलित सेना का निर्माण किए। दलित सेना के काम निर्माण करते हैं कुछ ना ना सर। हाँ, ये बताइए कि पासवान जी आज एनडीए में हैं, मोदी जी के साथ हैं, तो गलत जगह पे हैं? मोदी जी के साथ रहते रहते हैं हम, मोदी जी के ना जा पाए। मोदी जी काका कर ले तीन जने जाना जी, बालू महंगाई कर दे रही, जी सी जी कौची तो बोला है जे लगा दिल कई तो का लगा दे कई, तो गरीब के पेन काट लाओ तब बैंक में तो जमा कर, तो आधार काट लाओ पहले ये सब अल दस्तखत करा ले रुपया दे ले दस्तखत करा ले आवा ले निकाल ले ले। ये बताइए कि मोदी जी कहते हैं कि हम करोड़ों गरीब लोगों को जो दलित लोगों थे
हैं जिनके पास खाता नहीं था उनका खाता खुलवा दिया जीरो बैलेंस पे। जीरो बैलेंस पर खाता खोला के 5-5 लाख रुपया भेज दिल के। एगो किरी नहीं जीरो बैलेंस खोलवा के खाली हवा की भेज देंगे। कहाँ भेजा सर, कहाँ गरीब के खाता खोलवाया जीरो बैलेंस तो भेज रहा है। ये भेजेंगे वो भेजेंगे आओ बीतरा के खतवा पर एको पैसबो नहीं खर्चा करके खतबो खोलवा दिल के फोटो करवा तो यह करवा वह करवा जो दो पैसा कमा ले वह लगा दिल के। ये बताइए कि खाता आपका खुला तो आपको कोई फायदा हुआ कि नहीं? कौन फायदा है सर, कोई फायदा नहीं। पैसा आप घर में रखने के बजाय बैंक में रखते हैं? पैसे नहीं तो बैंकवा में रखबी सर कौची, कमा ही या भोजन ओकरे खरीद खरीद खाई तो ओकरा में जमा कौची करबे कौची देखे आई कौची देखे सुन कि गोड़ मजबैले है 5 लाख रुपया देखे 15 लाख लड़की से यही मोदी सरकार है भारत के आई सर यही गोड़ मैच बाबा लड़की से आ कहा कि हम ब्याह न कैले तो कहाँ से आ गए आई सब कहा इटालियन की हम मोदी के दिन। अच्छा सुनिए ये 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 एक तस्वीर छपी है जिसमें कहा गया है कि मोदी ने 15 लाख रुपये वेतन पर रखी मेकअप आर्टिस्ट और ये है कि ये खबर जो है गलत है। यहाँ लिखा गया कि बेवकूफ़ मत बनिए, ये झूठी बात है यहाँ लिखा हुआ है अखबार में जो हाँ ये बताए जो बेवकूफ़ तो रख सका है सरकार बड़ी साहब छोकड़ी ओकरा दौलत के कौन कमी तो कर हम कहा नहीं अब जे रखे बाकी हम नहीं गरीब के कोई भले नहीं। ये एक चीज़ हम रामविलास जी के बारे में और आपसे पूछना चाहेंगे कि रामविलास पासवान से आपके जाति के हैं वो कहते हैं जाति के बदौलत जीत के जाते हैं संसद में जाते हैं वो जीत करके आप लोग के वोट के बदौलत, आप कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, क्या सचमुच उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया? कौचे किए सर पूछा बाबन कुर्मी थे पासवान के कुछ ना कुछ नहीं किए कुछ नहीं जाति के अभी तकला मंत्रिमंडल रामविलास पासवान रहे हैं। आप पहले ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष पासवान हुआ। अब आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाहते हैं कि अगर रामविलास पासवान जाती है सभीकरण के आधार पर है केंद्र में सरकार में जब से सरकार रहा तो विपक्षी में एक दिन बैठने के लिए बल्लार रामविलास पासवान जी नहीं हुए और पासवान जाति के सिर्फ नाम पर वोट लेने का काम करते हैं और पासवान के अति पिछड़ा के कहते हैं कि जे हम आप जातीय सभीकरण बना के जब वो केंद्र में राज किए हैं तो जातीय सभीकरण के मुद्दा पर और आज अगर बीजेपी में गए हुए हैं तो जातीय सभीकरण के सोचे कि हम जब तक आप विपक्षी में रहेंगे तो हम तो सत्ता में बैठेंगे नहीं, इसलिए हम सत्ता में रहना चाहते हैं तो जिसको सरकार बनता उसको तरफ के, जब कांग्रेस का सरकार था केंद्र में तो कांग्रेस के साथ थे और जब फिर अभी बीजेपी की सरकार हुआ तो बीजेपी के साथ में है। देखिए कि बिना जीते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ में मंत्रिमंडल में उनको भाई मती मंत्री बन गए, कुछ मंत्री नहीं थे फिर भी जीत उनको मंत्री बनाया गया, तो बिहार का भी यही हाल है और केंद्र का भी यही हाल है। रह गया नरेंद्र मोदी की सरकार, तो जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बना है तो कहते हैं कि हम किसान के गरीब के 6-6 हज़ार रुपया लोन देंगे हर एक किसान के। आप लोन मत दीजिए, आप सिर्फ इतना काम करिए कि जो किसान उपजाता है उपजाऊ अनाज उपजाता है प्याज उपजाता है मसूरी उपजाता है खेसारी उपजाता है उसको आप रेट के बढ़ाइए ज़्यादा आओ माथा पेची नहीं दे केंद्र से पैसा आपको कोई मांग किसान नहीं मांग रहा है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों का दावा है कि हम किसानों के फसल के दाम 1.5 गुना से 2 गुना तक बढ़ा दिए। कब 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 कहाँ बढ़ाए हैं? अभी देखिए कि प्याज के भाव है जो 280 रुपये 250-250 रुपये कुंटल है, जब किसान उपजाता है तो 250 रुपये कुंटल हो जाता है। वही मसूरी देखिए आज मार्केट में 4500 रुपये कुंटल है और बड़ा पूंजीपति लोग खरीद लेते हैं और उसको डलमोट बना के सप्लाई करते हैं मार्केट में तो 100 रुपये किलो हो जाता है। वही मसूरी वही बूट के देखिए क्या 40-45 रुपये किलो है, जब चना उसको डलमोट बना लेंगे पूंजीपति लोग तो उसको क्या कर देंगे मार्केट में 100 रुपये किलो, तो किसान कब तक सहते रहेगा? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार हो लेकिन सबसे पहले आप किसान के नाम पर वोट मांगते हैं तो सबसे पहले किसान के देखिए। आप रामविलास पासवान के बारे में बताइए क्या रामविलास पासवान जाति के लिए कुछ किए हैं या नहीं किए हैं? देखिए जब से हम होश संभाले अभी 35-36 वर्ष मेरा उम्र हो रहा है
तो जब रामविलास पासवान जी को बेलारी चक में जब सभा हुआ था, केंद्र मंत्री थे, दूर संचार मंत्री थे, तो उनको यहाँ पर प्रोग्राम लेवल गया था, यहाँ पर आया तो बड़ा बड़ा भाषण दिया, इससे करेंगे उससे करेंगे, लेकिन पासवान के लिए सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं पासवान से, और कुछ नहीं करते हैं पासवान के, सिर्फ पासवान के नाम पर वो सिर्फ वोट लेते हैं बस। एक चीज बताइए, अभी दो या तीन लोग आरोप लगा रहे थे कि पासवान जाति से वोट लेकर, पासवान जाति के नाम पे वोट लेकर वो बैठे हुए हैं जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं उनके गोद में और उनका काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम अपने हो समाज से देखे हैं, जब से ऐसा वो नियम कानून पर चल रहे हैं, वो खाली पासवान समाज से वोट लेते हैं और सत्ता में बैठे हुए रहते हैं, बड़ा बड़े पूंजीपतियों के हाथ में वो बिके हुए हैं। आज पासवान समाज में के गो के टिकट दिए, अपना परिवार छोड़ा के पूरा बताइए कि 6 सीट उनको मिला है, पूरा बिहार में 6 सीट मिला है, 6 सीट में से के वो पासवान के गरीब गुरु, अगर पासवान का बात बोलते हैं तो पासवान के पटना में सभा करिए, उसमें से गरीब के का बाल बच्चा के आप टिकट देने का काम किए हैं रामविलास पासवान जी? अगर देने का काम किए हैं तो वो अपने जीवन में बताएं कि हाँ फलना जगह पासवान के, फलना जगह पासवान के टिकट दिए हैं। सूर्यवान सिंह के देते हैं तो बड़ा बड़ा पूंजीपतियों लोग के देते हैं, कहाँ पासवान के दिए? जब से चुनाव हुआ, जब से देखते हैं कि जे पासवान वो अपने परिवार में सीमित हैं, एकदम सिर्फ अपना परिवार में सीमित है। क्या वजह है कि पासवान समुदाय इन चीज़ों को समझते हुए भी रामविलास पासवान को वोट करता है और उनके वोट पे वो दूसरी बार्गेनिंग करके खुद आगे बढ़ते हैं? देखिए, मेन कारण है, अगर पासवान समाज के वातावरण किया जाए तो कुछ कुछ बिहार की जो स्थिति है, तो बिहार की स्थिति खास करके जातीय समीकरण पर तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आता है। लोग कभी कभी कोई ऐसा भी सोचता है पासवान की कितनों है तो जाते हैं, तो जब इधर के लोग सोच रहे हैं कितनों है तो जात है, तो आपको भी सोचना चाहिए था कितनों है तो जात है, जरा सा कागो के टिकट देते हैं गरीब गुरुवा के, गरीब गुरुवा जाएगा तब तो संसद में कुछ बोलेगा, आप वाले बच्चे रहिएगा तो क्या करिएगा, नहीं करिएगा कहाँ जा, हम लोग कहाँ जाने गए? अभी आपसे पहले जिनसे बात हो रही थी मेरी, वो कह रहे थे कि लालू यादव रामविलास पासवान से बहुत अच्छे हैं, आखिर क्या वजह है कि आप लोग जो है लालू यादव को रामविलास पासवान से अच्छे मानते हैं खुद के लिए? देखिए, मेन कारण है लालू यादव के, जो 1990 में बिहार में सरकार बना लालू, राष्ट्रीय जनता दल के, तो राष्ट्रीय जनता दल के सरकार बना, तो एक चीज़ हम जानते हैं कि गरीब गुरुवा के अगर बोलने के लिए सिखाए हैं तो लालू यादव के देन है। आर बेलारी चक में आड़ा 340 करोड़ रुपया एक दिन में रजवाला वर्मा DM के अनुकूल बेलारी चक में पूरा केन्द्रावास लालू यादव दिए, चाहे तो केंद्र के इंदिरावास हो, इंदिरा गांधी के सरकार के इंदिरावास हो, चाहे तो जहां से हो, लेकिन लाख तो दिए लालू यादव। मतलब एक दिन में 200 कितना बताए, 225 एक दिन में बनवा दिया। एक दिन तोड़वा दिए, दूसरा दिन बनवा दिए, दूसरा दिन CDO के बुलवाए, CO के बुला के सबके BDO के और पैसा दे दिए। ये बताइए कि नीतीश जी और लालू जी में क्या फर्क है? देखिए, नीतीश जी की अगर बात कहते हैं तो नीतीश जी बिहार में खास करके विकास तो किए हैं, ये चीज़ तो हम मानेंगे, ये चीज़ मानेंगे, लेकिन खास करके रोड पुल पुलिया इसमें बनाए हैं, हॉस्पिटल वगैरह वाला काम किए हैं, लेकिन जो बिहार में 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किए ना गरीब के, जो अभी विफल हो गए, सफल नहीं हुए, गरीब के गच्छ के और जमीन नहीं दिए। अभी हम लोग भी देखते हैं कि गरीब के भी अभी भी बेलारी चक में उसन व्यक्ति है। क्या लालू राज सचमुच जंगल राज था? देखिए, जंगल राज की बात करें तो स्थिति और परिस्थिति को कोई जाना नहीं जा सकता, मान के चले कि उस गरीब के डिमांड में लालू यादव के औसन में अंदरूनी माइंड काम किया कि हम जिस तरीका के लोग व्यवहार में ढलते हैं उसी व्यवहार में सबके रखें। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो ये सोचे कि नहीं, ये तो सिस्टम नहीं है, सबसे पहले सोचे कि रोड बना देते हैं, विकास से कुछ मुद्दा बनेगा, तो रोड बनवाया है, सब विकास की बात करते तो नीतीश कुमार तो कुछ विकास किए हैं, हाँ ये तो मानना होगा। ये बताइए कि अभी तेजस्वी यादव जो यंग यूथ लीडर्स है उसमें सबसे आगे हैं, क्या आपको लगता है तेजस्वी यादव में भविष्य दिखता है? देखिए, अगर भविष्य वर्तमान की बात करते हैं तो खास करके तेजस्वी यादव को हम अपने तरफ से पर्सनल उनको अस्त्र देना चाहते हैं आशीर्वाद, कि शपथ समारोह में देखे थे तेजस्वी यादव तेज प्रताप जी के, कि घर में सबसे पहले कि अगर पूरा बिहार चलाना चाहते हैं तो घर का तालमेल बैठाना होगा आपको खास करके, और पेपर के माध्यम से भी देखते हैं, कहीं कहीं रोज रोज पढ़ते हैं पेपर तो देखते हैं कि घर की जो स्थिति जो है भाई भाई में उनका विरोध चलते रहता है, कहते हैं कि कोई विरोध नहीं है, तो फिर भाई है जो मुंदिरका यादव के खिलाफ में एक दिन प्रचार कर दिए कि हम प्रचार उनको चुनाव लड़ेंगे मुंदिरका यादव ससुर साहब के खिलाफ में, तो घर में ऐसा सिस्टम होना नहीं चाहिए,
अगर बिहार में तालमेल बैठा कर सरकार बनाना चाहते तो भाई बहुमत आपका वोट किसके साथ है? देखिए अगर मेरा वोट का पर्सनल पूछते हैं तो हम तो मीसा भारती के देंगे, मीसा भारती को देंगे। और रामकृपाल यादव जो मतलब यहाँ के मौजूदा सांसद हैं, रामकृपाल यादव जी के हम आप आवास पर गए थे लंगर टोली में, पटना स्टेशन पर उनको घर है वहाँ गए थे। वो दुर्गा जी भी बहुत कचरा था तो वो कचरा में दरखास्त दिए थे उनको, बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है जो हम लोग को बहुत तकलीफ है जो ढलैया की स्कीम दिया जाए, तो बोले कि केंद्र से हमको 44-45 लाख रुपया भी मिलवे किया है, उतना ने पूरा देखना है पूरा क्षेत्र को, जो ऐसा कीजिए कि अगर 2-3 लाख रुपया से होता है तो इतना का स्कीम हम दे देंगे। हम बोले सर ऐसा नहीं होगा, उतना में बनवे नहीं करेगा, छोड़ दीजिए। फिर फंड सर दूसरा चल आए, लौट के नहीं दिए कुछ ना। और रामकृपाल जी की बात करते तो रामकृपाल जी खास करके वोट लेके गए हैं ना, जब से अभी तक ला एक बार भी, अभी साल 5 बरस पूरने जा रहा है, 5 बरस के दरमियान में अभी आएंगे तो आएंगे, लेकिन इससे पहले कभी नहीं आए। वो मरनी उरनी में न्योता वगैरह दीजिएगा तो हो सकता है कि टाइम मिलेगा तो आएंगे, तो उनको पास में फुर्सत भी नहीं। आप बताइए आपका वोट किसके साथ? मेरा वोट मीसा भारती के साथ। मीसा भारती को क्यों? क्योंकि इधर इलाका के लिए वो हमेशा उन लोग को खबर मिलता है तो हमेशा आते हैं, सभी को बात सुनते हैं, ठीक है ना। रामकृपाल जी का बात हुआ जो कि उनको खबर देला पर ये है कि इधर के लिए बात बरन के वो आके बार बार कुछ भी होता तो आते हैं और सभी को बात समझते हैं, कुछ भी कारण में उनको बुलाया जाता है तो आते हैं। कौन सा जगह था ये बताइए कि रामकृपाल यादव 5 सालों में कुछ काम किए या नहीं? काम के बारे में कहिएगा तो इसमें तो इतना हम डिटेल नहीं बता सकते हैं, लेकिन जिनका हमको सहमत देख रहे हैं कि इधर के लिए हैं मीसा भारती हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे पूर्ण तरह से, और सपोर्ट भी कोई ऐसा रहेगा उसको भी सपोर्ट करवा देंगे, ठीक है ना। ये है बेलदारी चक की जनता की मन की बात। यहाँ ज़्यादातर लोग की आवाज़ आपने सुनी, वो क्यों और किस पार्टी को और किस उम्मीदवार को वोट करना चाहते हैं। इस भीड़ में कई ऐसे लोग भी थे जो पीएम मोदी के राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को नकार दिया और एक साजिश करार दिया। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, बेलदारी चक, पाटलिपुत्रा। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।